नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विनोद तावड़े जी, सांसद श्रीमान केबी तुमाने जी, मंचावर बसलेले अन्य सर्व महानुभाव बंधु भगिनी, मौदा आणि पूर्ण विदर्भातील जनतेला माझा नमस्कार। हा धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे। धान शेती सोबत औद्योगिक प्रगतीची सर्वात आज आम्ही करतो आहे। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं, मुझे पहुंचने में विलंब हुआ, आपको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन नागपुर हवाई अड्डे पर इतनी तेज बारिश थी, यहां पहुंचने का कोई रास्ता। आखिरकार आप लोगों की बात वरुण देवता ने सुन ली और बारिश रुक गई, और इसके कारण मैं आप सबके बीच पहुंच पाया। किसी भी देश में अगर विकास करना है तो सबसे पहले प्राथमिकता देनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अगर समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम सफल होते हैं तो विकास की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है बिजली की। आज टेक्नोलॉजी का युग है, किसान भी अपने खेत में हर प्रकार के काम के लिए बिजली का उपयोग करता है। पहले तो शायद या तो दीपक जलाने के लिए या जमीन में से पानी निकालने के लिए बिजली का उपयोग करता था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में बिजली से चलने वाले साधनों का उपयोग होता है। ग्रामीण जीवन में भी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है तो बिजली से शुरुआत होती है। आज गांव में डॉक्टर रात को रुकने को तैयार नहीं, शिक्षक गांव में रुकने को तैयार नहीं, पटवारी गांव में रुकने को तैयार नहीं, वो शाम को दफ्तर बंद करके शहर चला जाता है। इसकी मुसीबत का कारण क्या? अगर गांव में बिजली है, पंखा चलता है, एसी चलता है, टीवी चलता है, तो उसको रात को रुकने का मन करता है, और अगर रात को रुकता है तो धीरे धीरे उस गांव से उसका लगाव होता है, गांव के सुख दुख का वो साथी बन जाता है। और इसलिए बिजली ये हमारी प्राथमिकता है। आजादी के इतने सालों के बाद भी जहां बिजली है वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती,
कहीं 4 घंटे मिलती है, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे। आप मुझे बताइए 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो बिजली मिलेगी कहां से? अगर बिजली के कारखाने नहीं लगेंगे तो बिजली आएगी कहां से? और इसलिए आपने देखा होगा मेरी नई सरकार बनने के बाद मैंने सर्वाधिक जो कार्यक्रम किए हैं वो बिजली से जुड़े हुए कार्यक्रम किए हैं। मैं भूटान गया तो भूटान में बहुत पानी है, उस पानी के माध्यम से बिजली पैदा करना, सस्ती बिजली पैदा करने की संभावना है। भूटान में जाकर के वो काम किया, उनसे योजना आगे बढ़ाई। अभी नेपाल गया तो नेपाल में भी हिमालय की नदियां बहुत है, उसमें से बिजली पैदा हो सकती है। बिजली के काम को वहां गति देने के लिए वहां की सरकार से विस्तार से बातें की। जम्मू कश्मीर गया, वहां भी पानी की संभावना है, वहां पर बिजली की चिंता की। क्लीन एनर्जी, ये जितनी संभावनाएं बढ़ती है उन सारों को टैप करने का प्रयास है। आखिरकार कोशिश ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के हर गांव में हर गरीब से गरीब परिवार को भी 24 घंटे बिजली उत्पन्न पहुंचाना है। और जब बिजली आती है तो सिर्फ अंधेरा जाता ऐसा नहीं है, सिर्फ टीवी पे सीरियल देखने को मिलती ऐसा नहीं है। बिजली आती है तो उसके साथ उद्योग भी आते हैं, रोजगार की संभावनाएं पैदा होती हैं। अपने इस क्षेत्र में आज 1000 मेगावाट बिजली का कारखाना राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, लेकिन साथ साथ 1320 मेगावाट बिजली नई उत्पादन का एक और कारखाना लगाने का शिलान्यास भी हो रहा है। और इसके कारण विदर्भ के इस पूरे क्षेत्र में बिजली प्राप्त होना सरल हो जाएगा। और मुझे विश्वास है अगर एक बार, जब मैं यहां चुनाव के दिनों में आया था, मैं यवतमाल वगैरह इलाके में जब जहां गया था, जब हमारे किसान भाई आत्महत्या करके उनके परिवारों में गया था, हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़े, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और जब मैंने वहां पूछा तो कई किसानों ने मुझे बताया कि उनके यहां पानी 20-25 मीटर नीचे है, ज्यादा नहीं, 20-25 मीटर, लेकिन बिजली न होने के कारण पानी का कोई प्रबंध नहीं है और उन्हें कारण अकाल की नौबत आती है, किसान कर्जदार बन जाता है और किसान को मौत के घाट उतार, आत्महत्या की नौबत आती है। अगर ये बिजली हम पहुंचाते हैं तो जिन किसानों को अपने खेती में बिजली की आवश्यकता है उनको आवश्यक बिजली मिले, कम दामों में मिले, और कभी उसको अकाल के संकट से गुजरने की बहुत नौबत आए तब इस बिजली के द्वारा निकाले हुए पानी के माध्यम से वो अपना साल भर का गुजारा कर ले सकता है। और इसलिए बिजली वो सिर्फ सुख वैभव का साधन नहीं है, बिजली विकास के लिए अनिवार्य बन गई है। और इसलिए हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हिंदुस्तान में जहां जहां बिजली उत्पादन की संभावनाएं हैं, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलार एनर्जी हो, कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी हो, गैस से पैदा होने वाली एनर्जी हो, इतना ही नहीं
शहरों में कूड़े कचरे से भी अगर बिजली पैदा होती तो उसको भी करना है, लिग्नाइट से बिजली पैदा होती तो उससे भी करना है। ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उन सारे स्रोत का उपयोग करते हुए और हो सके उतना ज्यादा क्लीन एनर्जी तरफ की ओर जाने का हमारा प्रयास है। हमारे देश में सूर्य ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में है। सूर्य ऊर्जा से निकली हुई बिजली एक जमाने में बहुत महंगी थी, लेकिन अब उसमें काफी सुधार हुआ है। अब वो इतनी महंगी नहीं पड़ती जितने पहले कभी सोचा जाता था, और अल्टीमेटली वो बात सस्ती पड़ती है क्योंकि कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। और ये पूरे देश में सोलर एनर्जी की भी जाल बिछाने का इस सरकार का इरादा है। और इतना ही नहीं, एक दिन वो आ सकता है कि जब हम रूफटॉप पॉलिसी ला करके हर परिवार अपने छत पर अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर सके, सोलर एनर्जी के द्वारा पैदा कर सके, बिजली का खर्चा बच जाए, यहां तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दुनिया के कुछ देशों ने प्रयोग सफल किए हैं। भारत जैसा देश जिसके पास इतनी सूर्य शक्ति हो, उस सूर्य शक्ति का हम भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। हमारे यहां शास्त्रों में सूर्य भगवान की कल्पना सात घोड़े के रथ पर सवार की गई है। उसके चित्र भी बनते हैं कि सूर्य भगवान सात घोड़े के रथ पर सवार होते हैं। सूर्य भगवान ऊर्जा का प्रतीक है, और ये जो सात घोड़े हैं ना, आज के जमाने में नए रूप में देख रहा हूं मैं उसको। ये ऊर्जा के सात स्रोत हैं, कोयला है, गैस है, पानी है, लिग्नाइट है, सोलार है, विंड है, कूड़ा कचरा है, इसमें से बिजली पैदा हो सकती है। इन सातों घोड़ों से ये सूर्य का रथ चल सकता है, ऊर्जा का रथ चल सकता है, और इस काम को करने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। मैं आज जब विदर्भ में आया हूं और किसानों की आत्महत्या को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, सरकार ने एक योजना, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से उसकी घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ सबसे ज्यादा हमारे किसान ले सकते हैं। आखिर किसान को आत्महत्या करने की नौबत इसलिए आती है कि वो साहूकार से कर्ज लेता है, और साहूकार से कर्ज लेने के कारण जब कर्ज चुका नहीं पाता है तो ब्याज के संकटों के कारण आखिरकार वो मौत को प्यार कर लेता है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने का हमारा प्रयास है, और मेरा भी आग्रह है आप सबको, 28 तारीख को ये योजना प्रारंभ होगी, आप सबके परिवार का अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोल दीजिए। और अगर आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक की तरफ से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, और उसके साथ ही आपके परिवार के लिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस भारत सरकार निकालेगी, 1 लाख रुपए का बीमा, उसके साथ ही आपको बीमा आपका बन जाएगा। इसके कारण एक सुरक्षा की गारंटी बनेगी, और इसलिए मैं किसान भाइयों से, विशेष करके विदर्भ के हमारे किसान भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि सहकार साहूकारों के चक्कर से मुक्ति के लिए ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो मुख्य रूप से गरीबों के लिए है,
आप अपना खाता खोलिए और आप भी अपने भाग्य विधाता बनिए। और ये योजना उसी काम के लिए आने वाली है। इस बार बजट में आपने देखा होगा, सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ये भी है, जिस प्रकार से रोड से गांवों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से पानी की व्यवस्था खेतों तक पहुंचाने का प्रबंध भी होना चाहिए। और हमारे देश का किसान इतना ताकतवर है, एक बार अगर उसको पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत हमारा किसान रखता है। और इसलिए हर क्षेत्र में पानी कैसे पहुंचे, पानी बचाने का काम कैसे हो, जल संचय भी अच्छी तरह हो, जल सिंचन भी अच्छी तरह हो, उस पर बल देकर के हमारी कृषि को आज जो संकटों के घेरे में रहती है, आशंका के बादल छाए रहते हैं, बारिश हुई तो किसान के लिए जिंदगी ठीक, बारिश नहीं हुई तो किसान को मुसीबत, ये जो स्थिति है उसमें से कुछ एश्योरेंस की स्थिति बने, इस दिशा में प्रयास दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार का है। और इसलिए किसान को बिजली मिले, किसान को पानी मिले, गांवों के जीवन में भी बदलाव लाना। बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, हमने एक डिजिटल इंडिया की बात कही है। हम जानते हैं कि शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल फोन न हो। मोबाइल फोन की हमें इतनी आदत हो गई है, अगर घंटा दो घंटा बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे हम ही डिस्चार्ज हो गए हो, मन से एकदम असंतुलित हो जाते हैं और कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो भी परेशान हो जाते हैं। उस टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन से इतना जुड़ाव हो गया है। और इसलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। उसी मदद के हेतु डिजिटल इंडिया के द्वारा आपके मोबाइल फोन में ही आपकी सरकार क्यों न हो, आपकी सरकार आपकी हथेली में क्यों न हो, ये काम मुश्किल नहीं है। बड़ा देश है, पूरा करना एक दिन में संभव नहीं होता, लेकिन काम संभव है। और इसलिए भाइयों बहनों, उस काम को करने का भी संकल्प हमने किया है जिसकी हमने शुरुआत कर दी। लेकिन आज जब मैं बिजली के इस कार्यक्रम के लिए आया हूं, तब सरकार का काम है बिजली उत्पादन हो, सरकार का काम है बिजली उत्पादन करने वालों को कोयला मिले, गैस मिले, जो आवश्यक ईंधन है, फ्यूल है, वो मिले। लेकिन नागरिकों के नाते हमारी भी एक जिम्मेवारी है और वो है बिजली बचाना। आज अगर हमारा 100 रुपये के बिल आता है तो हमने तय करना चाहिए कि अगले महीने का बिल 90 रुपये का कैसे आए, 10 रुपया कैसे बचाएं। अगर 10 रुपया बचाएंगे तो बच्चों के लिए दूध ला सकते हैं। ये सब संभव है, थोड़ा सा जागरूकता से प्रयास करना पड़ता है। और अगर हम सब एक नागरिक बिजली बचाने का काम करें तो बिजली उत्पादन करने में जितना हो सके, और बिजली बचाना ये तो उपकार नहीं है, हम बिजली बचाते हैं तो हमारा खर्चा भी बचता है, हमारा बिल भी कम आता है, परिवार को लाभ होता है, देश को भी लाभ होता है। और इसलिए मैं
सभी नागरिक भाई बहनों से सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं कि आप घर में सब परिवार के लोग बैठ के तय करो कि अगले महीने हमारा बिजली के बिल में कितनी कमी लानी चाहिए। कोई 10 रुपया तय करे, कोई 20 रुपया करे, कोई 25 रुपया करे, कोई 50 रुपया करे, और अगले महीने जब बिल आए तो परिवार के लोग बैठ करके चर्चा करें, भाई तय किया था कि 10 रुपया बिल कम करेंगे लेकिन नहीं हुआ, 8 रुपया ही कम हुआ, क्या कमी रह गई। परिवार में एक चर्चा स्वभाव बनना चाहिए, बिजली का एक अलग बजट की चर्चा होनी चाहिए परिवार। और मैं तो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी कहता हूं, टीचर्स को भी कहता हूं, वो बच्चों को शिक्षा दें कि हर बच्चा अपने घर में अपने परिवार के माता पिता बड़े भाई जो भी हो उनसे शपथ लें कि अपने घर में हम बिजली बचाएंगे। एक बार बिजली बचाने का माहौल बन गया तो जीवन बदल जाता है। हमें बिजली की आदत इतनी हो गई है कि पूर्णिमा का जो पूर्ण चांद होता है उस चांद की शीतलता क्या होती है वो हम भूल गए हैं। अरे कभी तो पूर्णिमा की रात को बिजली बंद करके देखो तो सही, आसमान में बिजली भी बचेगी और चंद्रमा की शीतलता का अनुभव भी होगा। एक सहज स्वभाव हम कैसे बनाएं? और अगर सहज स्वभाव बनाते हैं तो हम जरूर राष्ट्र की सेवा में काम आ सकते हैं। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब विकास की ओर कोई न कोई कदम उठाएं। हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर रोजगार दिलाना है, उनको सुख चैन की जिंदगी अगर जीने के लिए हमने व्यवस्था करनी है तो विकास की राह पर हमें आज से ही चलना शुरू करना पड़ेगा। विकास एक ही मंत्र लेकर के हम चलेंगे, आप देखिए देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाएगा। आज किसान भी, उसके अगर 3 बेटे हैं तो क्या योजना करता है? वो योजना ये करता है कि चलो ये छोटे वाला बेटा खेती संभालेगा, लेकिन 2 बेटे शहर में जाएंगे नौकरी करेंगे। किसान भी अपने 3 बेटे में से 2 बेटों को नौकरी के लिए भेजता है क्योंकि उसको लगता है परिवार चलाना है तो नौकरी के लिए जाना पड़ेगा। इसका मतलब रोजगार की संभावनाएं नई तलाशनी पड़ेगी, और रोजगार की नई संभावनाएं तलाशनी है तो औद्योगिक विकास के द्वारा होगा। ये बिजली के माध्यम से इस क्षेत्र में छोटे छोटे कारखाने लगे, यहां के नौजवान खुद कोई न कोई उत्पादन के क्षेत्र में जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए। इतना ही नहीं, गांव में तो कृषि आधारित उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं जिसके कारण किसान को भी लाभ होगा, उद्योग आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। और इसलिए कृषि आधारित रोजगार उद्योग और उसके आधार पर ग्रामीण नौजवान को रोजगार, इस काम के लिए हम बिजली का उपयोग कैसे करें। आज जो काम हम आज माननीय कुमार है वो मिट्टी का काम करता है, लेकिन अगर बिजली से चलने वाला यंत्र उसको मिल गया तो अपना कुमारी काम में पहले 10 रुपए का काम करता था 100 रुपए का काम करने लग जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दिया, उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। हर एक क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े, हम उत्पादन ज्यादा कैसे दें और देश की आर्थिक विकास यात्रा में एक नागरिक के नाते हम भी भागीदार बने, उसे दायित्व को लेकर के अगर हम चलेंगे मुझे विश्वास है देश को आगे बढ़ने का हमारा जो सपना है 125 करोड़ देशवासी उन सपनों को जरूर साकार कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का आना ये छोटी बात नहीं,
एनटीपीसी वालों ने बिजली के कई कार्यक्रम पहले भी किए होंगे, कई उद्घाटन भी किए होंगे, लेकिन शायद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कभी देखा नहीं होगा। एक जनसैलाब यहां है, इसका कारण क्या है? उसका कारण साफ है, देश की जनता को विकास चाहिए। और जहां भी विकास की बात होगी, मैं विश्वास से कहता हूं देश की जनता इसी प्रकार से जुड़ जाएगी। देश की जनता विकास के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। ये जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि उसको एकमात्र काम में विश्वास है, विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आज देश में जब भी कहीं जाते हैं तो सामान्य मानवी को एक बात की चीड़ है, गुस्सा है, दुख है, पीड़ा है, और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और हालत ये बन गई है कि कुछ लोगों के जीवन में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। देशवासी आइए, मैं इस काम को करना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। ये बीमारी देश से निकालनी है और निकाली जा सकती है। और एक बार अगर समाज मेरे साथ जुड़ करके जग गया, मैं नहीं मानता हूं किसी की ताकत है कि अब ये पाप करने की हिम्मत करेगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से कई लोगों को जरा परेशानी होती है, लेकिन कितने दिन तक हम चीजों को छिपा के रखेंगे? आप मुझे बताइए, पाप है कि नहीं है हमारे घरों में, हमारे देश में, समाज जीवन में पाप है कि नहीं है? भैया बताइए, है कि नहीं है? तो कब तक छुपा के रखेंगे? इस पाप से मुक्ति हमें पानी है और हम सबने मिलकर के इस दिशा में कदम उठाना है। हम सबका सहयोग होगा। मैं नहीं मानता हूं भ्रष्टाचारी कुछ कर सकते हैं। भाई ये अलग थलग पड़ जाएंगे, अभी उनको भी लगना पड़ेगा कि समाज की सोच बदल चुकी है, हम भी अब सीधी लाइन में चले। पहले जितना पाप किया कर लिया, हम नया पाप करने का अवसर नहीं मिलेगा, ये बात हमको करनी होगी। और पूरे देश में एक अहले जगानी है, और इन चीजों को हमने सफलता पानी है। अगर जनता का सहयोग मिलता है, ये काम कठिन नहीं है, ये बीमारी जाना मुश्किल काम नहीं है। और मेरा विश्वास है कि इन स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है। आपके आशीर्वाद से इस बीमारी से भी देश को मुक्ति दिलाने में हम सफल होंगे। हम महाराष्ट्र के अंदर संकल्प करें कि इस बीमारी से हमें मुक्ति लानी है। हिंदुस्तान के कोने कोने में बात पहुंच जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र तो है जहां से लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वही तो महाराष्ट्र कह सकता है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस बात को हम लेके चले। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।